आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ In this question we have given a 15 ohm resistor an 80 milli henry inductor and a capacitor of capacitance C are connected in series with a 50 hertz AC source ज एंड करंट इन द सर्किट आर इन फेज वैल्यू ऑफ कैपैसी की लैंग्वेज पढ़ते हैं एक सर्किट में हमारे पास रजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फिफ्टीन गिवेन है सारे डेटा लिख लेते हैं दूसरा एक इंडक्टर है जिसका वैल्यू गिवन है एट्टी मिली हेनरी तो इंडक्टर एल होता है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है देखो एट्टी मिली हेनरी अच्छा एंड कैपैसिटर ऑफ कैपैसिटन सी कैपेसिटेंस हमारा सी है उसकी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी तीनों सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं ठीक सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं बिथर फ्रीक्वेंसी 50 एयर तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ मान लेते हैं वो आ जाएगा हमारे पास 50 एयर्ट बहुत सारी बुक में फ्रीक्वेंसी को एनसी भी दिखाते हैं कोई दिक्कत नहीं है एसी सोर्स भी है ऐसा सब कुछ है इफ द सोर्स वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट आर इन फेज जो सोर्स वोल्टेज है और जो करंट है सर्किट का आर इन फेज मतलब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो डिग्री है देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज चलिए यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेते हैं एक सर्किट में यहाँ पे हमारे पास क्या है एक रजिस्टेंस लगा हुआ है एक इंडक्टर लगा हुआ है दूसरा हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है तीनों सीरीज में कनेक्टेड है किसी में हमारे पास एसी सोर्स से ये क्या किया गया सप्लाई को कनेक्ट कर दिया गया ये हमारा एसी सोर्स था जिसकी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है एफ की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास फिफ्टी हर्ट गिवन है ठीक अच्छा कह रहा कि जो ये सोर्स का वोल्टेज है जो सोर्स का वोल्टेज है लेट से सोर्स का वोल्टेज वी था और जो करेंट है जो सर्किट में करंट फ्लो कर रही है अल्टरनेटिंग करंट उनके बीच में फेज डिफरेंस है जीरो डिग्री मतलब कि जो सोर्स वोल्टेज है सोर्स सोर्स वोल्टेज वोल्टेज अगर हम अल्टरनेटिंग करंट थी तो जो आएगा ये एक ही डायरेक्शन में में होगा होगा के बीच फेज डिफरेंस इस कंडीशन में हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी चलिए ठीक है अगर मान लेते हमें ये नहीं पता था कि ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं थी कि करंट इन द फेज जो सोर्स वोल्टेज है करंट हमारा फेज में होंगे तो पहले हम सोर्स वोल्टेज निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले देखो रेजिस्टेंस के एक करंट ऐसे बना लेते हैं हमें पता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वी आर रजिस्टेंस के जो वोल्टेज होगा बी आर इंडक्टर वोल्टेज होगा उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा होगा क्लियर हो गया तो हमें पता है कि अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन ये बताई है तो जो बी आर होगा हमेशा करंट की डायरेक्शन में होगा क्योंकि दोनों के बीच में वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टेंस एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस जीरो डिग्री होता है ये हम क्या बना रहे हैं फेजर डायग्राम बना रहे हैं दूसरा वीएल अब हमें पता है कि जो हमारे पास इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वीएल उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारा 90 डिग्री करंट से लीड करती है तो ये आ जाएगा हमारे पास वीएल जब आप देख पा रहे करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है अब दूसरा जो हमारे पास कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये हमारा सी था एल है ये हमारा रेजिस्टेंस आ आर है जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा जो करंट है करंट से 90 डिग्री लैग करता है तो पीछे की तरफ आ जाएगा कैपेसिटेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा बीसी तो वो करंट से 90 डिग्री पीछे की तरफ है लैग कर रहा है क्लियर हो गया ये हमारा आ गया फेजर डायग्राम अब यहाँ पे आप खुद देखो अगर हम कहें कि मान लेते वीएल इज ग्रेटर देन बी सी हो जाता अगर हम कहते हैं वीएल इज ग्रेटर देन बी सी हो जाता तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होता ऊपर की तरफ आ जाता रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाता ऊपर की तरफ थोड़ा सा हम समझ रहे हैं या था रिजल्टेंट वोल्टेज देखो वीएल माइनस बी सी आ जाता वीएल माइनस बी सी

करंट तो करंट करंट के 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 अक्रॉस अक्रॉस चला जाता क्योंकि के है क्योंकि जो वोल्टेज होता और बीच इसे करंटर जीरो नीचे की तरफ अगर वीसी माइनस वीएल हो जाता क्योंकि वीसी इस बार हमने ग्रेटर ले लिया है तो देखो वी आर और वी एल के बीच का जो रिजल्टेंट लोगे ये हमारा सोर्स वोल्टेज वी एस आ जाएगा सोर्स वोल्टेज ये हमारा वीएस होगा क्लियर हो गया तो अभी आप देख पा रहे हैं कि सोर्स वोल्टेज और जो अल्टरनेटिंग करंट है इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल आ रहा होगा वो एक फेज में नहीं है इन दोनों केस में देखो ये जो सोर्स वोल्टेज है अल्टरनेटिंग करंट से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है फेज में नहीं है हमें तो ये वाली सिचुएशन चाहिए था सोर्स वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में फेज जीरो हो मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती लेकिन अगर हम कहें वीएल इक्वल्स टू वी सी हो जाए अगर हम कहें वीएल इक्वल्स टू वी सी हो जाए तो आप खुद देखिएगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इट इटमीन जो भी हमारे पास सोर्स वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास देखो सोर्स वोल्टेज इसी डायरेक्शन में आ जाएगा करंट के और वो सोर्स वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और इस कंडीशन को सर्किट में बोलते हैं डायरेक्टली क्या बोलते हैं इसको कहते हैं हमारे पास रेजोनेंट कंडीशन रेजोनेंट कंडीशन में जो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होता है और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर होता है वो दोनों सेम हो जाते हैं और तभी देखिए अगर ये दोनों सेम हो गए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इन दोनों का पिक्चर में काम खत्म हो जाएगा तो जो हमारे पास सोर्स का वोल्टेज होगा वो हमारा देखो करंट की डायरेक्शन में आ जाएगा जो सोर्स का वोल्टेज अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो जो सोर्स का वोल्टेज था वो हमारा करंट की डायरेक्शन में आ गया फेज हो गया जीरो डिग्री और जो सोर्स का वोल्टेज होता है वो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टेंस के हो जाता है यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लियर हो गया तो सोर्स का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टेंस हो जाएगा क्लियर हो गया तो हमें क्या फाइंड आउट करना था देन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस चलिए अब इस केस में क्या होगा एल इक्वल्स टू बी सी तो हमें पता है कि जो कैपेसिटर या इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है आई एक्सएल और सी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास देखो आई एक्ससी ठीक एक्सेल की वैल्यू कितनी होती आई से आई तो हमारा कैंसिल हो गया एक्सेल की वैल्यू होती है हमारे पास ओमेगा एल और एक्सी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास वन अपॉन ओमेगा सी क्लियर हो गया तो यहाँ पे देखो आ जाएगा हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना था सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल क्लियर हो गया वैल्यू पुट कर दीजिए अब हमें ओमेगा गिवन नहीं था तो यहाँ से हमें पता है फ्रीक्वेंसी गिवन था तो ओमेगा टू कितना होता है हमारे पास देखो टू पाई एफ तो आ जाएगा हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई की वैल्यू हमें गिवन वैल्यू पुट कर तो हमें मिल जाएगा सर्किट का स्क्वायर इंटू पाई का स्क्वायर अच्छा एल हमें है कितना? 80 mH. 80 mH मतलब कि अगर एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो हमारे पास देखो एट्टी इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री हेनरी तो आ जाएगा हमारे पास एट्टी इंटू आ जाएगा हमारे पास पावर माइनस थ्री मिली हेनरी को हमने हेनरी में कन्वर्ट कर दिया टेन टू पावर माइनस थ्री हो जाएगा तो कैपेसिटेंस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास देखो वन अपॉन 10 हंड्रेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 10 टू दी पावर फोर इंटू पाई स्क्वायर इंटू आ जाएगा हमारे पास देखो 80 इंटू टेन टू दी पावर आ जाएगा हमारे पास माइनस तो ये एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे देखो सिर्फ बचा हमारे पास टेन टू दी पावर वन बचा है तो इसको सॉल्व करोगे सी इक्स टू आ जाएगा इसको पूरा जब सॉल्व करोगे आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी और सी इक्वल्स टू से आ जाएगा एक चीज गलती हो गया पाई स्क्वायर था ना तो थ्री पॉइंट वन फोर का आप इसको स्क्वायर भी यहाँ पे करोगे तो ये हमारा मिस्टेक हो गया था तो इसको पूरा जब सॉल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास देखो आती है हमारे पास वन पॉइंट टू सिक्स सिक्स इंटू आता हमारे पास टेन टू दावर माइनस फाइव ये क्या था हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू थी अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो सी को देखो इसको लिख सकते हो पावर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टेन टू दि पावर माइनस फोर आता है यहाँ पे टेन टू दि पावर माइनस फोर आ जाएगा ठीक अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे वन ट्वेंटी इसको लिख सकते वन ट्वेंटी सिक्स इंटू टेन टू दि पावर आ जाएगा हमारे पास माइनस सिक्स तो अकॉर्डिंग टू द आंसर आ जाएगा हमारे अप्रॉक्समेटली वन ट्वेंटी सेवन माइक्रो फेरेट ये कितना हो जाएगा हमारे पास देखो माइक्रो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा तो राइट right आंसर कितना आ गया हमारे पास अगर ऑप्शन मिलाओगे तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा और ये कौन सी कंडीशन में सर्किट था ये हमारा रेजोनेटिंग कंडीशन थी इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग कंडीशन हमें बार बार क्वेश्चन में बोल तो दिया जाता है रेजोनेटिंग कंडीशन है तो जैसे ही रेजोनेटिंग होता है उसको हम क्या करते हैं एक्सल इक्वल्स टू एक्स कर देते हैं ये तो हमें पता होता है लेकिन यहाँ पे रेजोनेटिंग कंडीशन ना बोल के एक टर्म बोला गया था कि जो हमारे पास सोर्स वोल्टेज है एंड जो अल्टरनेटिंग करंट है वो फेज में है सोर्स वोल्टेज और, और कैंसिल कर देंगे तो जो सोर्स वोल्टेज होगा अपने आप वो की डायरेक्शन में आ जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास जितना रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होता है वही सर्किट का सोर्स वोल्टेज होता है तो जो सोर्स वोल्टेज होगा सारा का सारा वोल्टेज रजिस्टेंस के अक्रॉस आपको मिल जाएगा इन दोनों कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा क्लियर हो गया ये हमारा प्रॉपर्टी होती है तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट न्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ